कानपुर के पनकी थाने में तैनात दरोगा पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर आरोपी दरोगा के विरुद्ध रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है, साथ ही दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। युवती ने बताया कि सुल्तानपुर में कोचिंग के दौरान दोनों में जान पहचान हुई थी, इसके बाद आरोपी की नौकरी लग गई। आरोप है कि पनकी में तैनाती के दौरान दरोगा ने उसको कई बार बुलाया और शादी का झांसा देकर कई बार रेप किया। दबाव बनाने पर भाई और भाभी के साथ मिलकर पिटाई की। सुल्तानपुर कोतवाली निवासी एक युवती ने पुलिस कमिश्नर को दी तहरीर में बताया कि पनकी थाने में तैनात दरोगा अनुज तिवारी बरोई जौबारा सुल्तानपुर का निवासी है। 2021 में कोचिंग पढ़ने के दौरान दोनों की जान पहचान हुई थी, इसके बाद अनुज की पुलिस विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी लग गई, उसके बाद बातचीत बंद हो गई। आरोप है कि कुछ दिन बाद उसने फोन कर पनकी रतनपुर स्थित अपने कमरे पर मिलने के लिए बुलाया और शादी का झांसा देकर कई बार रेप किया। बाद में युवती ने जब शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने उसकी तस्वीर वायरल करने की धमकी दे दी। आपको बता दें कि आरोपी ने बीती रात 2 सितंबर को धोखे से रतनपुर स्थित कमरे पर बुलाकर अपने भाई अनूप व भाभी के साथ मिलकर युवती के साथ मारपीट की, जिसकी सूचना युवती ने 112 पर दी थी। मामले में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर पनकी थाने में तैनात दरोगा के विरुद्ध रेप व मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी मानवेंद्र ने बताया कि आरोपी दरोगा 8 सितंबर से गैरहाजिर है, जिसके विरुद्ध अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट कानपुर। पुलिस कमिश्नर के पास आप आई हैं, क्या समस्या है? मैं मानुष तिवारी जो दरोगा हैं पनकी थाने पे पोस्टेड हैं दरोगा पद पे, उसके बाद हमारा उनका 3-4 साल से रिलेशन था, जिसके बाद उन्होंने हमारा शारीरिक संबंध बनाकर हमसे शादी का झूठा वादा करके और उन्होंने इनकार कर दिया है। और जब हमने कहा कि हम अप्लीकेशन देने जाएंगे तो उन्होंने कहा तुम्हारा प्राइवेट फ़ोटो है हम वायरल कर देंगे और हम अगर तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि हम दरोगा हैं और हमारा डिपार्ट है, तुम डिपार्ट का कोई कुछ नहीं कर पाओगी। और हम कमिश्नर ऑफिस में आए हैं सर के पास न्याय मांगने के लिए, अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम फांसी लगा के मर जाएंगे। हम सुल्तानपुर से आए सर। आप इनको कैसे जानते हैं? हम लोग कोचिंग पढ़ते थे साथ में। आप इस समय कहाँ पर तैनात हैं? पनकी थाने पर। जब आपसे कांटेक्ट में थे तो क्या तब वो नौकरी पे थे? नहीं, तब नौकरी पे नहीं थे, वो तब पढ़ाई करते थे। नौकरी सर 2022 से पाए हैं। आप कब से रिलेशन? हमारी 2021 से ही जान, हमारे पर्चे में थी, हम लोग साथ में कोचिंग करते थे।